हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया साइबर किचन, यानी कि आपका अपना किचन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं उपमा। जी हाँ, साउथ इंडियन डिश उपमा बनाएंगे आज हम। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनकर आती है घर पे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ वेजीज में मैंने लिया है कैप्सिकम थोड़ा सा। और फ्रेंड्स, वेजीज जो है वो ऑप्शनल है, आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा या घटा सकते हैं, या आपको नहीं पसंद हो तो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जो मस्ट रहेगा वो इसमें रहेगा प्याज और ये अदरक, ये इसमें मस्ट है, क्योंकि इसके बगैर जो है फ्लेवर बढ़िया नहीं आएगा इसका। तो यहाँ देखिए, थोड़े से मटर लिए हैं, ये मैंने बॉईल कर लिए हैं थोड़े से। और यहाँ लिए थोड़ी सी गाजर, प्याज हमारा हो गया। और ये लिए मैंने हरी मिर्च, हरी मिर्च ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालिए। और यहाँ देखिए, ये लिए मैंने एक चम्मच उड़द की दाल, या जिसे माधुली दाल भी बोलते हैं। और यहाँ एक चम्मच लिया मैंने चने की दाल। और ये है एक चम्मच लिया यहाँ मैंने सरसों। और यहाँ लिया ये मूंगफली, ये जिसे कि मैंने ऑलरेडी फ्राई किया हुआ है। और यहाँ साथ ही साथ आ गया हमारे पास कड़ी पत्ता। और ये हो गई सूजी। सूजी फ्रेंड्स, ये मैंने मेजर करके लिए ये एक ग्लास में। इसका ध्यान रखिएगा कि मेजरमेंट से ही लीजिएगा सूजी, क्योंकि हमें इसमें जब पानी ऐड करना होगा तो वो भी मेजर से करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सूजी को ड्राई रोस्ट करना है। तो यहाँ देखिए, कढ़ाई में डाल दिया मैंने सूजी को, और इसको हमें ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लेना है चलाते हुए। बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, बस इसे थोड़ा सा हम भूनेंगे। और गैस का फ्लेम जो है वो हम स्लो टू मीडियम ही रखेंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सूजी जो है हमारी रोस्ट हो गई है। अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और सूजी को निकाल लेते हैं किसी दूसरे बर्तन में। निकालने से पहले मैंने सोचा आपको इसको नज़दीक से दिखा दूँ कि इसका कलर जो है सिर्फ इतना भर ही चेंज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं भूनना है। तो इसे निकालते हैं एक प्लेट में। अब सेम कढ़ाई, क्योंकि ये साफ ही है, इसी में हम डाल लेंगे एक से डेढ़ करछी रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ फ्रेंड्स, डेढ़ करछी डाला मैंने रिफाइंड ऑयल। और अब हम इसमें डालेंगे, जैसे ही तेल ये हमारा गर्म होगा रिफाइंड ऑयल, हम इसमें डाल देंगे ये सरसों। और ये देखिए, ये तड़कने लगी है सरसों हमारी। और सरसों देखिए हमारी तड़क रही है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये दाल। और प्लीज़ 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 रखें सफाई का खास ध्यान, अपने हाथों को धोकर ही कीजिएगा काम। और इसको एक बार चला लेंगे। फ्रेंड्स, इसका ध्यान रखना है आपने कि दाल जो है हमारे को बहुत ज़्यादा नहीं पकानी है, क्योंकि अभी इसमें पानी डलेगा तो ये पक जाएगी। इसे थोड़ा सा हमें बस भूनना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये प्याज और अदरक को। और साथ ही साथ इसमें डाल देंगे ये कड़ी पत्ता। और ये प्याज जो है फ्रेंड्स बहुत जल्दी भुन जाएगा, हमें इसका बस कलर चेंज करने तक ही भूनना है, बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं करना है हमें इसका। स्लाइट सा बस पिंक कलर जैसे ही हो जाएगा, ये देखिए ये हो भी गया है। और साथ ही अब हम इसमें अपनी बाकी की वेजेस भी ऐड कर देंगे और चला लेंगे इसे। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे मसाले। मसालों में फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ जाएगा ये नमक, ये मैंने डाल दिया यहाँ पे एक चम्मच, और थोड़ा सा इससे ज़्यादा नमक। फ्रेंड्स, नमक और मिर्च जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। और साथ ही साथ यहाँ हमने हरी मिर्च डाली हुई थी, और मैं ये आधी चम्मच ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च। और इसे एक बार चला लेंगे बढ़िया से, और दो मिनट के लिए और पकने देंगे, क्योंकि सब्जियां हमारी, मटर तो हमारा बॉयल था, और गाजर और कैप्सिकम बारीक कटी हुई थी, तो उसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे सूजी, और इसे भी ऐसे ही स्लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए हम चलाते हुए भूनेंगे सब्जियों के साथ। और अब आता है मेन पार्ट, वो है इसमें पानी का। तो फ्रेंड्स, जिस ग्लास से हमने मेजर की थी सूजी, उसी ग्लास से हम मेजर कर रहे हैं पानी। और पानी को हम कर लेंगे गरम। तो ये देखिए, ये मैंने डाल दिया इसमें एक ग्लास पानी। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये दो ग्लास पानी, और ये हमने ऐड कर दिया इसमें
आधा ग्लास और, यानी कि ढाई ग्लास पानी हमने डाला है इसमें। इसे बस हमें थोड़ा गर्म ही करना है, बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है। तो फ्रेंड्स पानी गर्म हो गया है, अब हम उसमें डाल देंगे उसे, इसमें आराम से बहुत ध्यान से चलाते रहेंगे साथ साथ। और इस बात का भी रखना है हमें खास ध्यान कि इसमें कोई लम्स नहीं पड़ने चाहिए, तो इसको चलाते हुए आप इसमें ये पानी को ऐड कर दीजिए। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर जो मूंगफली अपनी ऑलरेडी तली हुई रखी थी उसे भी ऐड कर देंगे। और आप चाहें तो इसमें आप काजू भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ नहीं डाल रही हूँ। ये हमने ऐड कर दी मूंगफली और इसे चलाते रहेंगे फ्रेंड्स, नहीं तो इसमें लम्स पड़ सकते हैं, तो इसे चलाते रहना इस तरीके से। तो ये देखिए पानी इसका जो है सूख गया। अब हमें करना क्या है, फटाफट से इसको ढक देना है, कोई भी ढक्कन जो इसके ऊपर फिट आ जाए। इस तरीके से इसको ढक देंगे और गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ। और अब हम इसे खोलेंगे फ्रेंड्स 5 से 10 मिनट के बाद। तो फ्रेंड्स 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम खोल करके इसका ढक्कन और हटा कर देखते हैं। तो ये देखिए उपमा हमारा है रेडी, और इसको चला लेंगे एक बार बढ़िया से, इसको कर लेंगे मिक्स। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा खिला खिला उपमा बना है। अब हम इसे सर्व करेंगे, और सर्व कैसे करना है, इसे डाल लेते हैं एक कटोरी में इस तरीके से, और इसे थोड़ा सा हम इस तरीके से फ्लैट कर देंगे ताकि हम बिल्कुल इसको सर्व भी करें रेस्टोरेंट स्टाइल में। देखिए इस तरीके से इसको हमने थोड़ा सा कर लिया है प्रेस ताकि ऊपर से ये हो गया है फ्लैट, और इसे इस तरीके से पलट लेंगे हम, और साथ ही साथ इसे गार्निश करेंगे हम ये फ्रेश करी लीव के साथ। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये उपमा की रेसिपी, झटपट से घर में बनने वाला रेस्टोरेंट स्टाइल उपमा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।